एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द राइजिंग ऑफ द मून। एक वन एक्ट प्ले है जो कि लेडी ग्रेगोरी द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो कहानी है, एक तीन पुलिस ऑफिसर्स की कहानी है और एक क्रिमिनल की कहानी, एक भागे हुए कैदी की कहानी है, जो जिसे जिनको ड्यूटी मिलती है उन पुलिस ऑफिसर्स को उस क्रिमिनल को पकड़ने की। तो जो हमारा टाइटल है द राइजिंग ऑफ द मून, इससे हमें क्या पता चलता है, तो थोड़ा सा बैकड्रॉप देख लेते हैं स्टोरी का। जो कहानी है ये तब लिखी गई थी, आयरलैंड की कहानी है, ये सेटिंग है जो है स्टोरी की वो है आयरलैंड की। तो ये कहानी तब लिखी गई थी जब आयरलैंड, मतलब ये कहानी तब की है, सेटिंग तब की है जब आयरलैंड गुलाम था ब्रिटिशर्स का। जैसे आपको याद होगा भारत भी जो था ब्रिटिशर्स का गुलाम था बहुत सालों तक, और भारत पे ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा राज किया, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, और भारत के लोगों को इतना उन्होंने प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया, एकदम गुलाम बना के रखा यहाँ के राजा को, यहाँ के लोगों को। और लोग फिर फ्रीडम फाइट्स करते थे, लोग सोचते थे कि हमें अब इनसे आज़ादी चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चालाक थे, वो क्या करते थे, उन्होंने अपने ही हमारे ही भारत के लोगों को क्या कर रख लिया था, पुलिस ऑफिसर रख लिया था, अलग अलग पोस्ट पे रख लिया था, सूबेदार वगैरह वगैरह अलग अलग पोस्ट पे, यहाँ के राजाओं को भी काम उन्होंने दे दिया था, अपने अंडर उन्होंने कर लिया था। तो भारत के लोगों को आज़ादी उनसे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और कोई भी इंसान जो उनके खिलाफ लड़ता था तो उसको क्रिमिनल वो घोषित कर देते थे। लेकिन वो इंसान क्या था, वो तो भारत देश के लिए क्या आज़ादी के लिए लड़ता था, वो एक ठीक है आज़ाद कराना चाहता था भारत को। तो ठीक इसी तरह इस स्टोरी की भी कहानी है, जिसमें जो तीन पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, हैं वो आयरिश, मतलब वो आयरलैंड के हैं, पैदा आयरलैंड में हुए, लेकिन उन्हें मजबूरी में उन्हें पैसों की दिक्कत आई, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने क्या करना पड़ा कि उन्हें ब्रिटिशर्स के अंदर काम करना पड़ा, वो ब्रिटिशर्स के क्या हैं अब पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है वो आयरिश, लेकिन काम किसके लिए करते हैं, ब्रिटिशर्स के लिए करते हैं। और जो भागा हुआ कैदी है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, ये बहुत ज़्यादा भगोड़ा है, प्रिजनर है, तो ये एक्चुअली में वो बेचारा एक फ्रीडम फाइटर है, वो इंसान है जो अपने अपने आयरलैंड के लिए लड़ रहा है, उसको आज़ाद कराने के लिए, लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हाँ ये कैदी है, ये क्या क्रिमिनल बना दिया उसको, ठीक है क्रांतिकारी है वो, फ्रीडम फाइटर, उसको क्या बना दिया कि ये क्रिमिनल है और इसको पकड़ो, ठीक है। तो बेचारे जो कितनी आयरनी है कि जो आयरलैंड के लोग ही हैं, वही एक आयरलैंड के लोग एक हिस्सा दूसरे ही आयरलैंड के एक इंसान को पकड़ रहा है, जो अपने आयरलैंड को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज इसमें जो है आइडेंटिटी है। तो जो थीम है इसकी, थीम है द थीम ऑफ द स्टोरी इज द सबवर्जन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बाय कॉलोनिज्म। तो ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनिज्म किया है, ब्रिटिशर्स ने जो आइलैंड के ऊपर हमला, आइलैंड को अपने अंदर किया है, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने कुछ जो आयरिश आइडेंटिटी उसको छुपा के क्या कर रखा, आयरिश आइडेंटिटी को छुपा के उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल का चोला उड़ा दिया कि हाँ अब तुम आयरिश तो हो लेकिन तुम आयरिश नहीं हो, अब तुम ब्रिटिश के अंडर काम करोगे, तुम जो भी चीज़ें करोगे ब्रिटिशर्स के उस पर करोगे, इशारों पर करोगे, जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वही तुम करोगे। और ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो कहानी का जो टाइटल है द राइजिंग ऑफ द मून, राइजिंग ऑफ द मून ये सजेस्ट करता है कि ब्रिटिश का जो प्रोसिक्यूशन है वो एंड होगा, ठीक है, तभी जो ये मून है राइज करेगा, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन है, द राइजिंग ऑफ द मून सजेस्ट द एंड ऑफ ब्रिटिश प्रोसिक्यूशन, फ्रीडम हासिल होनी है इस देश को, फ्रीडम ज़रूर मिलेगी, और फ्रीडम जब मिलेगी तो जो मून है ये राइज होगा। तो कहानी हम शुरू करते हैं, एक कहानी शुरू होती है, एक चांद रात होती है, चांदनी रात होती है, रात का मौसम होता है, रात का टाइम होता है, और जो समुद्र के किनारे जो है तीन आयरिश पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि ब्रिटिश के अंडर काम करते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, पोस्टर्स हर जगह लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल क्रिमिनल है, एक जो भागा हुआ एक कैदी है, एक क्रिमिनल है, वो भागा होता है इनकी कैद से, और वो क्या कर रहा होता है, और इनको शायद ये शक होता है कि ये जो कैदी है ये शायद रास्ते समुद्र के रास्ते ये भागेगा, पानी के रास्ते, तो वो समुद्र के रास्ते जो वो होता है बंदरगाह होती है, यानी जो घाट होता है, जो सी पोर्ट होता है, जहाँ पे सारे शिप्स आते जाते हैं, सारा सामान आता है, सारे शिप्स आते हैं समुद्र के जरिए, जो जितना भी काम होता है, लोग आते भी जाते भी हैं, सामान भी आता है बाकी शहरों से, बाकी सॉरी देशों से, तो वो सोचता है कि ये शायद यहीं से भागेगा, आसानी होगी इसके लिए, इसलिए हम इसको यहीं पर कैप्चर कर लेंगे। और सरकार ने बोला है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है वो इस इंसान को, इस क्रिमिनल को पकड़ेगा, उसे 100 पाउंड्स का इनाम मिलेगा और शायद प्रमोशन भी मिल सकता है।
तो जो सर्जन, अब जो इसमें तीन पुलिस ऑफिसर्स मैंने आपको बताया, एक होता है सर्जन तो हेड होता है सारे पुलिस ऑफिसर्स का, तीन पुलिस ऑफिसर का आप सब तक आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर। और दूसरा होते हैं पुलिसमैन बी और पुलिसमैन एक्स, ये सर्जेंट जो होता है उससे थोड़े नीचे होते हैं। तो जो पुलिसमैन बी पुलिसमैन एक्स सारे बांट रहे होते हैं, सारे सॉरी पैम्पलेट जो होते हैं पोस्टर्स होते हैं सारे वो चिपका रहे होते हैं, और उनके पास एक ही लालटेन होती है, लाल लालटेन जिसे बोलते हैं, तो वो उनके पास एक ही होती है। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो पूरा उन्हें चिपका दिए होते हैं सारे पोस्टर्स के, हाँ भाई ये भागा हुआ इंसान किस तरह से दिखता है, डार्क हेयर है उसके, आंखें डार्क कलर की आंखें भी हैं, बहुत स्मूथ सा चेहरा है, हाइट जो है 5 फीट है। और तो सर्जन कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जब ये भागा था कैद से तो मैं इसको नहीं देख पाया था, ये भाग चुका था जब मैंने मैंने देखा नहीं उसकी शक्ल। तो वो जो दोनों पुलिसमैन बी और पुलिसमैन एक्स होते हैं वो सारे पोस्टर्स चिपका चुके होते हैं लालटेन के साथ। वो कहता है अब हमें शहर में भी ये पोस्टर्स चिपकाने हैं तो हम जा रहे हैं। तो सर्जन कहता है ठीक है तुम जाओ और बाकी सारे शहर में पोस्टर्स चिपका दो। तो सर्जन अब अकेला बैठ जाता है, अब उसके पास लालटेन भी नहीं होती, लालटेन भी जो पुलिसमैन बी पुलिसमैन एक्स के पास होती है वो चले जाते हैं। तो सर्जन को थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इस इतनी रात हो गई होती है, वो बेचारा अकेला होता है, वो सोचता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कितनी कंजूस है, सिर्फ इतने खतरनाक कैदी को पकड़ने के लिए सिर्फ सिर्फ तीन ही वो लगाए हैं पुलिसमैन, और बाकी दो तो बांट रहे हैं वो पोस्टर चिपका रहे हैं, और मेरे को अकेले को यहाँ बैठना पड़ेगा। उसे काफी डर सा महसूस होता है क्योंकि इस एरिया में काफी ज्यादा कत्ल वगैरह होते हैं। तो उसने सोचा कि चलो, वो बैठा होता है डर के मारे कि चलो देखता हूँ, मैं कोई बैठा हुआ देख रहा होता है सी पोर्ट पे कि कोई शिप्स आ जा रही है, कोई इंसान आ जा तो नहीं रहा। तो एक इंसान होता है जो थोड़े हल्के से फटे पुराने से कपड़े पहने होता है, और वो जो है वो सर्जन के इधर से निकलने की कोशिश करता है, यानी सर्जन से छुपते छुपाते वो समुद्र की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब सर्जन कहता है अरे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है अरे नहीं मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ, मैं तो बस जो है मैं एक बैलेट सिंगर हूँ, यानी मैं जो सॉन्ग्स वगैरह लिखता हूँ मैं, ठीक है, और सॉन्ग्स जो मैं लिखता हूँ वो मैं जो सेलर्स वगैरह होते हैं इनको मैं बेचता हूँ। तो वो कहता है कि मेरा नाम जिमी वैलेश है और मैं एक बैलेट सिंगर हूँ, यानी मैं जो सॉन्ग्स वगैरह है मैं लिखता हूँ और मैं फिर उन्हें गाता हूँ, और फिर मैं सेलर्स वगैरह को बेच देता हूँ, बस गरीब आदमी हूँ मैं, यही करता हूँ, मैं क्या करूँ, और मेरे पास कुछ और काम नहीं है। तो वो फिर से जाने लगता है, सर्जन कहता है अरे अरे तुम रुको क्यों क्यों जा रहे हो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते और यहाँ पे जाना मना है, तुम जाओ अगर तुम्हें जाना ही है शहर से बाहर, तुम्हें बेचना ही है कुछ तो तुम शहर से मतलब शहर के रास्ते से जाओ, यहाँ पानी के रास्ते से तुम नहीं जा जा सकते हो। तो वो जो इंसान होता है जिमी वैलेश जो अपने आप को बताता है, वो कहता है कि मैं जो है वो अपने जो सॉन्ग्स उसे थोड़ा थोड़ा गा के सुनाता है ताकि वो सर्जन को थोड़ा अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, थोड़ा सा उसका ध्यान भटका सके, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है। अब सर्जन कहता है नहीं नहीं मुझे एरिया बिल्कुल साफ रखना है क्योंकि एक भागा हुआ कैदी है और वो हो सकता है कभी अभी यहीं पर दिख जाए। तो वो कहता है तुम अभी फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। अब वो जो इंसान होता है जो फटे पुराने कपड़े पहने होता है वो अब ना टाउन की तरफ जाने लगता है, वो शहर की तरफ जाने लगता है। तभी जो वो पोस्टर्स पे एक पोस्टर देखता है सब तरफ लगे होते हैं, तो वो पोस्टर देखता है और कहता है और वहीं पे देख के वो रुक जाता है, कहता है अरे मुझे तो ये इंसान बहुत अच्छे से मुझे पता है, ये मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूँ। अब जो सर्जेंट है उसका दिमाग चेंज हो जाता है, सोचता है अरे इस इंसान को मुझे जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि इसने क्या है इसको देखा है, इस कैरी को देखा है। तो फिर वो जाता है उसके पास, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे इस इंसान की और ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन तुम बताओ इस भागे हुए क्रिमिनल की। तो वो जो फटा पुराना जो रैगेट मैन होता है जो अपने आप को जिमी वैलेश कहता है, वो कहता है कि ये जो इंसान है वो काफी ज्यादा डार्क है, बहुत डेंजरस है, बहुत मस्कुलर है, बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, बड़ी मसल्स हैं इसकी और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है, बहुत सारी वेपन्स रहती हैं इसके पास, और ये मर्डर्स भी बहुत ज्यादा कर चुका है, बहुत खतरनाक इंसान है। तो सर्जन जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ ही यहाँ पे रह जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई एक भागा हुआ मर्डरर है उसको मैं पकड़ रहा हूँ तो मुझे तो मर्डर लगेगा अकेला। तो वो कहता है नहीं नहीं तुम मेरे साथ बैठ जाओ यहाँ पे। अब वो दोनों बैठ जाते हैं एक बैरल पे, एक ठीक है बैरल पे वो बैठ जाते हैं, और ताकि वहाँ से अच्छे सा ऊंचाई पर बैठ जाते हैं ताकि वो उस पूरे डॉक का जो पूरा समुद्र का एरिया होता है वहाँ पर वो अच्छे से नजर रख सके। अब जो दोनों इंसान होते हैं वो जो पाइप होते हैं उसको स्मोक करने लगते हैं ताकि जो सर्जेंट है थोड़ा सा शांत रहे। अब जो सर्जेंट है वो पुलिस को जो कहता है उस इंसान से, कहता है उस फटे पुराने कपड़े वाले इंसान से कि वो कहता है सर्जन मतलब वो थोड़ी दिल की भड़ास थोड़ी निकालने लगता है सर्जन। वो कहता है कि जो पुलिस का काम है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, स्पेशली फैमिली मैन के लिए, बिकॉज जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इतना लंबा लंबा समय उन्हें इतने डेंजरस मिशन में बिताना पड़ता है, अपने फैमिली से उन्हें दूर रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। तो सर्जन बहुत ही दुखी होता है। तो फिर जो रैगेट मैन होता है वो एक ट्रेडिशनल सेंटिमेंटल सॉन्ग गाना लग जाता है जो आयरिश कंट्री के
बारे में होता है, जैसे भारत कंट्री के लिए, भारत कंट्री के लिए जैसे जो बहुत ज़्यादा देशभक्ति के गाने नहीं लिखे होते, जो अपनी देशभक्ति की बहुत तारीफें करे होते हैं, तो ऐसे ही जो रैकेट मैन है वो आयरिश का जो एक खूबसूरत ब्यूटीफुल आयरिश गाना होता है, जो देशभक्ति का थोड़ा गाना होता है, जो उस कंट्री की खूबसूरती को बताता है, वो उसको गाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो नेशनलिस्ट की खूबसूरत सा देशभक्ति वाला गाना गाने लगता है, तो जो गाना गाने लगता है तो जो सर्जेंट होता है कहता है नहीं 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 तुम ये वाला गाना मत गाओ। और तुम्हें पता ही अभी कितना ज़्यादा आयरिश ऑपरेशन है, कितना ज़्यादा दोनों देशों के बीच में कितनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, कैसे इंग्लैंड ने आयरलैंड के लोगों को इतना ज़्यादा कर रखा है आयरलैंड, और तुम और गा के लोगों को भड़का रहे हो, इस तरह के गाने बिल्कुल भी मत गाओ। अब जो रैकेट मैन होता है वो कहता है कि सिर्फ वो तो इसलिए गा रहा है ताकि उसकी जो थोड़ा डर डर सा उसे महसूस हो रहा है, इतने हम खतरनाक मिशन पर हैं तो मुझे अकेला सा लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा गाने लग गया। अब जो रैकेट मैन है दोबारा से वो क्या करता है, थोड़ा सा हल्का हल्का गाना शुरू कर देता है ताकि थोड़ा उसे शांति से मिले, फिर उसे कहता है कि चलो ठीक है तुम गाना गा लो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डर लग रहा है। तो फिर जो इंसान है फिर से वो गाना शुरू कर देता है, इस बार वो आयरिश जो दोबारा से जो देशभक्ति होती है उसके गाने गाने लगता है। लेकिन जो इंसान होता है ना रैकेट मैन, बड़ा चालाक सा होता है, वो करता क्या है कि एक जो गाना होता है देशभक्ति का बहुत फेमस आयरिश गाना होता है जो सबको पता होता है, वो ना गलत उसके लिरिक्स गाना शुरू कर देता है, मतलब पूरा ठीक गाता है, एक दो लिरिक्स जो है, एक दो लाइन्स जो है वो गलत गा देता है जानबूझ के। अब तभी इमिडिएटली जो सर्जेंट है वो उसको ठीक करता है कि नहीं तुम इस तरह से गाओ, ये तुम गाना जो है तुम गलत गा रहे हो। ठीक है, इस स्टोरी में ये खास बात है कि देखो वो एक आयरिश पुलिस ऑफिसर है सर्जेंट, और वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी अगर कोई गाना गलत गा रहा है उसके मातृभूमि के लिए, आयरिश कंट्री के लिए, तो वो कहता है नहीं नहीं तुम गलत गा रहे हो। जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे गाने हैं देशभक्ति के, तो अगर कोई भी इंसान, सबको पूरे भारत के लोगों को, बच्चे बच्चे को याद होते हैं देशभक्ति के गाने, अगर कोई भी गलत गा रहा होता है तो कोई ठीक करेगा ना कि तुम ये तो गलत गा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी की तरह उसके साथ भी ऐसा होता है, जो रैकेट मैन होता है वो गलत गाना जब गाता है जानबूझ के, तो सर्जन कहता है नहीं तुम ऐसे गा रहे हो, गलत गा रहे हो, ये सही गाना सही लिरिक्स इस तरह से। अब जो पहले जो इंसान है जो गाना गा रहा होता है वो कहता है, अब वो शुरू कर देता है सर्जन की जो मेमोरीज हैं, सर्जन की जो यादें हैं, जो उसके पुराने दिनों की रहे हैं, जब वो बहुत जवान हुआ करता था, तो वो जो गाने मतलब उसको याद है वो दिलाने की कोशिश करता है। तो सर्जन जो है तो वो कहता है कि अब जो बैलेट मैन है वो उसको कहता है कि हल्का हल्का सा कोशिश करता है उसको जानने की, भाई तुम कैसे थे, तुम जवानी में कैसे थे। तो सर्जन कहता है कि मैं भी इसी तरह के सा था, मैं भी बहुत ज़्यादा कैसे था, मैं भी बहुत ज़्यादा आयरिश वगैरह गाने गाया करता था, और वो कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा देशभक्ति के गाने गाया करता था, जितने भी रैकेट मैन ने नाम गिनाए देशभक्ति गाने के आयरिश, तो मैं सारे गाया करता था, मुझे सारे अच्छे से आते हैं। जो मैन होता है वो सर्जन को कहता है कि शायद जो तुम हो, यानी तुम जो सर्जेंट हो, तुम पुलिस ऑफिसर हो, और वो जो भागा हुआ इंसान है, शायद वो सेम ही जवानी होगी उनके, क्योंकि तुम भी तो देशभक्ति के गाने गाए करते थे, और वो भी देशभक्त है, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, और जो इसके प्रिजनर है वो भी शायद तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स में हो, क्या पता तुम्हें जानकारी में वो हो, कभी तुम्हारा फ्रेंड हो वो, क्योंकि वो भी इसी तरह से देशभक्त था, और तुम भी अपनी जवानी में इतने देशभक्त थे, देश के लिए गाने वगैरह गाया करते थे, और ये कोशिश करते थे कि जो हमारा आयरलैंड है वो फ्री हो सके, लेकिन हुआ क्या, तुम क्या बन गए, तुम्हारी किस्मत बदल गई, और तुमने क्या करा, तुम्हारी थोड़ी किस्मत चेंज हो गई, तुमने क्या करा कि तुम पुलिस में चले गए, और उस इंसान के जो इंसान भारत जो आयरलैंड को बचा रहा है तुम उसके ही पीछे पड़ गए, और उसको तुम पकड़ना चाहते हो। अब जो है वो जो सर्जेंट है वो हल्का सा एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पहुंच जाता है कि हाँ क्या होता अगर उसने ऐसे फैसले नहीं लिए होते, अगर वो पुलिस फोर्स में नहीं गया होता, और उसने शादी नहीं करी होती, उसके बच्चे नहीं होते, तो शायद वो और जो भागा हुआ इंसान है वो ठीक सेम ही होते, वो तो क्या होता, वो भी अपने आयरलैंड के लिए क्या कर रहा होता, लड़ रहा होता, और शायद उसे भी इसी तरह से पुलिस वाले उसे पकड़ते, और फिर भी ऐसे ही भाग जाता जेल से, और ऐसे ही भागा भागा वो फिरता पुलिस से, कि पुलिस से वो बचता हुआ फिरता। तो पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा रियल हो गई थी कि वो एकदम कंफ्यूज हो गया था, कि वो सोचता था कि काश शायद मैं ही ऐसा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे भाग रहा होता पुलिस वाले से, और अपने आप को इमेजिन करने लगता है उस इंसान के, उस पर वो कहता है कि ओहो अब जो पुलिस वाले उस पर शूट कर रहे होते हैं या उसको मार पीट रहे होते तो मुझे कितना कैसा फील होता, क्योंकि मैं भी तो हो सकता था, मैंने इतना ज़रा सा हल्का सा फैसला ले लिया, उसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। लेकिन वो एकदम से अपने आप को उसी चीज़ में सोचने लगता है कि ठीक है, और एकदम से वो एकदम सारे ख्यालों में ही खो जाता है। ठीक है, अब वो जो रॉकेट मैन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कंटेंट हो जाता है कि जो ये सर्जेंट है ये थोड़ा इसका दिल थोड़ा पिघल गया है, इसमें जो आयरिश की नेशनैलिटी, आयरिश की जो देशभक्ति है वो थोड़ी भर गई है। तो आखिर में उसने क्या करा, सर्जेंट अभी भी
थोड़ा सा कंफ्यूज था, अभी भी वो सोच रहा था कि हाँ मैंने जो चॉइसेस है, मैंने पता नहीं जो मैंने चॉइस करी वो ठीक है कि नहीं, कि मैं इंग्लिश, मैं ब्रिटिशर्स के लिए काम करता हूँ, मैं अपने ही लोग के लिए मैं अगेंस्ट काम करता हूँ। अब जो सर्जेंट होता है वो इन्हीं ख्यालों में होता है, सब सोच ही रहा होता है कि जो जिमी वैलेश है, जो पैलेस सिंगर होता है, वो जोर जोर से द राइजिंग ऑफ द मून सॉन्ग गाने लगता है। अब जो राइजिंग ऑफ द मून सॉन्ग एक आयरिश का बहुत ही फेमस देशभक्ति का गाना है जो पूरे आयरलैंड के लोगों को पता है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, तो वो जोर जोर से ये गाने लगता है, वो जो होता है जिमी वैलेश। और वो इसलिए गाने लगता है कि जो समुद्र के पास में जो उसके रेस्क्यूअर्स है, जो उसको बचाने के लिए बोट में है पहले से ही, ताकि उनको सिग्नल मिल सके कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, रेडी रहना। तो जो और उसी टाइम वो क्या करता है, अपने सर से हैट निकालता है और विग उतारता है, और एकदम से वो कहता है कि मैं ही वो क्रिमिनल हूँ, मैं ही वो भागा हुआ इंसान हूँ जिसके सर पे 100 पाउंड्स का इनाम है। तो जो सर्जेंट होता है एकदम से वो हैरान हो जाता है, कहता है अरे तुमने तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। तो वो सर्जन कहता है अच्छा ठहरो रुक जाओ, मैं तुमको अभी पकड़ता हूँ और तुम भाग तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे, और जो इनाम है ना 100 पाउंड्स का, वो तो मैं ही ले जाऊँगा, अपने यंग ऑफिसर्स मेरे आने ही वाले होंगे, अभी बस आते ही होंगे, और मैं अभी तुम्हें पकड़वाता हूँ और तुम कहीं भी नहीं भाग सकते। तो वो जो जिमी वैलेश होता है कहता है नहीं नहीं प्लीज मुझे जाने दो, और सोचो तुम्हारी जगह मेरी जगह तुम भी तो हो सकते थे, तुम भी तो इतने ज़्यादा देशभक्त थे, तुम भी तो गाने गाते थे देशभक्ति के, तुम भी तो अपने जो जो देश है आयरलैंड उसके लिए तुम इतना ज़्यादा करते थे, और तुम्हारी जगह मेरी जगह तुम भी तो हो सकते थे, तो अगर तुम ऐसा होते तो क्या तुम ऐसे ही कहते, मतलब प्लीज़ मुझे जाने दो, और मैं भी तो अपने देश, अपने आयरलैंड के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसके लिए तो मैं कर रहा हूँ, और तुम भी तो इतने ज़्यादा गाने वगैरह गाया करते थे, तुम भी तो इतना अपने देश के लिए सोचा करते थे, तो प्लीज अब इतना ही सोच लो कि मुझे जाने दो। तो फिर एकदम से ना जो दोनों पुलिसमैन बी और पुलिसमैन एक्स होते हैं वो एकदम से वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और ये दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, वो कहते हैं नहीं नहीं तो वो जो सर्जेंट होता है, जो वो जिमी वैलेश होता है, जो अपनी हैट और जो विग उतारता है, वो सर्जेंट जो है उससे ले लेता है कि अच्छा ठीक है। अब सर्जेंट ले तो लेता है, तभी वहाँ पे पुलिसमैन बी पुलिसमैन एक्स आ जाते हैं, और जो जिमी वैलेश होता है वो एक बैरल जो होता है ना रखा हुआ उसके पीछे वो छुप जाता है। अब वो पुलिसमैन बी पुलिसमैन एक्स कहते हैं अरे हमने यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस की आवाज़ सुनी, कोई आ गया था क्या, आपने पकड़ लिया क्या, या कोई था यहाँ पे? तो वो कहता है नहीं नहीं सर्जन कहता है नहीं नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो लगा किसी की आवाज़ थी, तो आपको मदद की ज़रूरत है, हम यहीं पर रुक जाते हैं, ये लो लालटेन ले लो। कहता है नहीं नहीं ना तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना तो मुझे इस लालटेन की ज़रूरत है, तुम जाओ यहाँ से, मैं अकेले, अगर वो आएगा क्रिमिनल तो मैं उसे अकेले में पकड़ लूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ज़बरदस्ती जो सर्जेंट होता है उन पुलिसमैन बी पुलिसमैन एक्स को वहाँ से भगा देता है। अब जब वो दोनों चले जाते हैं तो वो वापस से वो जिमी वैलेश छुपा हुआ होता है बैरल के पीछे, वो निकलता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें वास्ता तुम्हारे पहली ज़िंदगी का, तुम्हारे वास्ता तुम्हें उस टाइम का, जब तुम उस दौर का, जब तुम फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, देश के लिए तुम लड़ा करते थे। तो वो कहता है कि ठीक है चलो, वो उसे जाने देता है। अब वो उसे जाने देता है, अब वो चला जाता है, वो भाग जाता है, ठीक है, बोट में बैठ के वो भाग जाता है। अब अकेला जो होता है सर्जेंट, वो सोचना एकदम से ख्यालों में खो जाता है, और फिर वो सोचता है कि कहीं वो बेवकूफ़ तो नहीं था जो उसके वो ख्यालों में, उसकी बातों में वो आ गया। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जल्द ही मैं बहुत ढेर सारी क्लास 11 युवक भारती के सारे जो इंग्लिश के चैप्टर्स हैं मैं कंप्लीट कर दूँगी, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।